अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दस्तावेज वगैरह चाहे गए थे क्योंकि उनके द्वारा अभी तक उपस्थित नहीं करे गए, तो इसके चलते आज प्रशासन ने कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश थे कि सर्वे को तो खुशी बंद किया जाए, व्यस्त किया गया, आगे दस्तावेज आते हैं। सर जैसे अन्य लोग चलिए उनकी भी जांच होगी क्या क्षेत्र में? जांचें सबकी तकरीबन तो स्वाभाविक सी बात है, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सब जांच चलती है, सबके दस्तावेज मंगवाए जैसे साहब के पास रजिस्ट्रेशन दिया जाए। वहाँ खरीद थे कितना भी लेट को दस्तावेज मंगाए थे आपने? दो माह पहले भी तो शिकायत पर दस्तावेज मंगाए थे? हाँ दस्तावेज मंगाए थे और संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ऐसा तो कोई आपने बताया नहीं था संबंधित कार्यालय दस्तावेज हमने आगे ही मांगा था जवाब? हाँ आगे के अंदर आप पता करिए, वहाँ पे कार्यालय में आइए, अपन देखते हैं। क्षेत्र में फर्जी राजदम बहुत सारे चल रहे हैं, उस संबंध में कई बार शिकायत होने की कार्रवाई होगी? उस समय चल रही है, सभी जगह चल रही है कार्रवाई, हमें चल रही है। जहाँ जहाँ काफी दिनों से विजय टेक्नोलॉजी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लैब संचालित कर रहे हैं, तो बस इसी की जांच करने के लिए हमने दल गठन करके एलटीएम साहब के निर्देश पर, जिसमें सीडीएमओ परवेज जी, मैं तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नायब तहसीलदार रेहा शाह, हम लोगों ने इसकी जांच की। जांच करने में पाया कि लैब का संचालन हो रहा है और जो संचालक है डॉक्टर संजय जोशी वो उपस्थित नहीं थे। उनको दूरभाष पे हमने सूचित किया कि उनके पास जो भी दस्तावेज हैं इस संबंध में उसका अवलोकन तत्काल हमको कराएं, लेकिन वो कराने में असमर्थ रहे, तो इसलिए हमने जो है इस लैब को सील कर दिया। एफआईआर हमारी तरफ से पंचनामा बन गया और डॉक्टर साहब जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। धन्यवाद।